आज से टीम इंडिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज का आगाज होगा। वनडे सीरीज से पहले वनडे टीम के उपकप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि टीम अभी से ही 2019 में होने वाले वर्ल्ड कप की तैयारियों में जुटा है। रोहित शर्मा ने एक इंटरव्यू में कहा कि टीम अपने विदेशी दौरों से सीखेगी और बड़े टूर्नामेंट के लिए तैयारी करेगी। मेरा मानना है कि सीरीज की शुरुआत 2019 विश्व कप को ध्यान में रख कर करना हमारे लिए अच्छा है। हम अब विदेशों में बहुत क्रिकेट खेलेंगे, हम इसे आगे ले जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। रोहित शर्मा ने आगे कहा कि हम अभी ज्यादा विश्व कप के बारे में नहीं सोच रहे हैं, लेकिन हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात है, क्योंकि हम इस बात का पता लगा सकते हैं कि हम किस परिस्थिति में कैसी प्रतिक्रिया देंगे। टेस्ट सीरीज में खराब फॉर्म से जूझ रहे रोहित शर्मा की कोशिश वनडे सीरीज में बेहतर प्रदर्शन कर टीम को जिताने की होगी। NMF न्यूज की रिपोर्ट।